हे गाइस मॉर्निंग के 5:30 थर्डी हो चुके हैं सबसे पहला काम बच्चों का टिफिन बनाना आज मैं बना रही हूँ बीन्स टोमेटो बीन्स है इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं एंड इसको मैं पकाऊंगी 5 टू 7 मिनट बीन्स रेडी टू यूज़ होती हैं जैसे इसको पकाना पड़ता है एंड मैंने फ्रूट सेट कर दिया है जिसने जो खाना होगा एंड टोस्ट कर दिया है ब्रेड बच्चे सुबह को लेते हैं सम फ्रूट एंड टोस्ट उनका टोस्ट रेडी हो गया विद बीन्स अब मैं उनका टिफिन रेडी करूँगी टिफ़िन में सबसे पहले मैं सैलड ऐड कर रही हूँ ग्रीन सैलेड वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ आपने कहा ताकि मैं बच्चों के टिफ़िन आपके साथ शेयर करूँ सैलेड पर मैं क्रिस्पी अनियन यूज़ कर रही हूँ इससे अच्छा टेस्ट बनता है एंड बच्चे लाइक करते हैं इसके साथ मैं यूज़ करूँगी चेरीज आप कोई भी फ्रूट दे सकते हो विद वेजिटेबल्स एंड इसके साथ मैं टोस्ट दूँगी गार्लिक ब्रेड एंड इसके साथ जो मैंने बीन्स बनाई है एंड इसके साथ मैं जूस एंड वन स्नैक आप कोई भी उनको बार दे सकते हो एंड सैलड पे मैं यूज कर रही हूँ रेंच आप मेो भी यूज कर सकते हो सो so, ऐसे आप हेल्दी बच्चों का लंच रेडी कर सकते हो पगमस सीरी को फॉलो करना उसमें मैंने बहुत सारी किड्स की रेसिपी शेयर की है एंड रिसेंटली मैंने पार्टी आइडिया शेयर किए स्नैक्स आइडियाज उनको देखना एंड अब मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने आज मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करूंगी इन दिनों में स्क्वॉश मारो बहुत ही ट्रेंडी है बच्चे बहुत लाइक करते हैं ये है शॉपी ड्रग मार्ट में 14 में भी बहुत सारे आए हुए एक्चुअली सारी स्टोरों में आपको मिल जाते हैं अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ ग्रोसरी एंड फिर मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मॉर्निंग कैन आई गेट कॉफी ले ली ओके गाइस कॉफ़ी ले ली है मैंने अब चलते हैं घर आज वेदर बहुत ख़राब है लाइक फॉगी फॉगी सा है मॉर्निंग uh, मेरा बहुत बिजी होता है एक्चुअली मुझे बच्चों का टिफिन रेडी करना होता है हवी के लिए फ़ूड बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी होती है राइट सो बट आज प्रोडक्टिव डे बनाएंगे एंड ओके okay, मैं अब ट्राई पे फोकस करूँगी ओके okay, मेरे फ्रेश प्रोड्यूस ख़त्म हो गए थे मैं कुछ लेकर आई हूँ उनको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ जल्दी से और सी होगी है डन मैं आपके कुछ क्वेश्चन कवर कर लेती हूँ मेरे नेल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड मैं कौन से नेल्स यूज़ करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वंस अगेन फिर शेयर कर देती हूँ मैं किस के नेल्स यूज़ करती हूँ किसके नेल्स में आपको बहुत सारी ब्राइटी मिल जाती हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स होते हैं जो आपको वॉलमार्ट फोर्टीनोज ऐसे स्टोरों में मिल जाते हैं मैंने ये वाले यूज़ किए थे नेल्स आप ग्लू के साथ भी लगा सकते हो बट मैं ग्लू के साथ यूज नहीं करती इनको मैंने एक टोलियल बनाया था उस वीडियो को देख लेना कि कैसे मैंने अपने नेल्स को लगाया था एंड ऐसी जेल पॉलिश भी मैं यूज़ करती सो so आप मुझे बता सकते हो कि आप कैसे नेल्स चाहते हो सो so मैं तो ब्राइटी ऑफ नेल्स घर में लगाती हूँ एंड सारी चीजों का मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है अगर आप देखना चाहते हो तो क्लिक ऑन अ टॉप टू वॉच दैट वीडियो और चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डॉ लो उसमें आपको सारी नहीं लगाना चाहते तो आप जेल पॉलिश यूज कर सकते हो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है अमेजोन से ये किट ले सकते हो इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी है एक्चुअली इसकी वीडियो है अपोना चैनल एंड ये मैंने अभी बनाई नहीं वीडियो इसको भी मैं यूज करूंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगा सो आई होप दिस हेल्प सो इस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हो लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन डो अब मैं कुकिंग करूँगी आज मैं फ़्रेश साग लेकर आई थी मैंने उसे वॉश कर लिया है मैं फ़्रेश लेकर आती हूँ एंड बना लेती हूँ बट उसे बना लेंगे खाएंगे नहीं आज आज मैं दाल बना रही हूँ तड़का लगा लिया है एंड तड़के में मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक एंड अनियन उनको पका कर मैंने टमेटोज़ ऐड किए हैं एंड सम स्पाइसेस उनको अच्छे से पका लूँगी आज मल्टी टास्क काम हो रहा है मैं एक दाल बना रही हूँ एक सब्जी बना रही हूँ तड़का पहले ही लगा लिया अच्छे से तड़का लग गया मैं दाल ऐड करूंगी इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी एंड फिर इसका लिड बंद करके इसको पका लूंगी ये टी फॉल का प्रेशर कुकर है अगर डिटेल में वीडियो इसकी देखना चाहते हो कैसे यूज करना है डिटेल में थ्री फोर वीडियोज आपको मिल जाएंगी अभी लगा रहे हैं तड़का मेरे साथ आज दाल के साथ सब्जी बन रही है गाजर एंड मटर अभी लगा रहे हैं तड़का एक्चुअली वो मेरी हेल्प कर रहे हैं एंड एक साइड पे बन रही है दाल एंड सब्जी एंड गाजर मैंने थोड़ी बचा ली थी उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है एंड उसका बनाएंगे थोड़ा सा हलवा लाइक गाजर का हलवा मैंने लिया है देसी घी घर का बना हुआ एंड कैरेट को ऐड कर दिया है इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी एंड बस फिर बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनता है साथ में गाजर भी बन गई है मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बनाई है एंड इसके साथ दाल बन रही है अब गाजर पक चुकी है इसमें मैं शक्कर ऐड करूंगी इंस्टेड ऑफ अदर वाइट शुगर इसे मैं हेल्दी वे से बना रही हूँ इसमें इसमें आप दूध भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो और वाटर लिटल विट अब मैं इसे पका लूँगी एंड अब दाल चेक कर लेते हैं एंड दाल भी बन गई है इस प्रेशर कुकर में बहुत अच्छे से दाल बन जाती है मैं तड़का पहले लगा लेती हूँ एंड टाइम बाद में लगाती हूँ एंड दाल भी बन चुकी है हमारी जो गाजर की सब्जी थी वो भी बन चुकी है एंड थोड़ा सा हमने बनाया था गजरेला गाजर का हलवा वो भी बन चुका है अब मैं बनाऊँगी रोटी गर्मा गर्म पूनम आज आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये ब्लॉग बनाया है मैंने ट्राई किया है कि मैं दिन में क्या क्या बनाती हूँ आई थिंक थोड़ा ही कवर हुआ है बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ब्लॉग्स लेकर आऊँ जो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसे पूरी करूँगी सो so, हमारा डिनर हो गया है डन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ अभी मुझे साग बनाना है मुझे आदत है फ्रेश साग लेकर आकर उसे फ्रेश ही बनाना सो so, अब मैं उसे कट करके अच्छे से बना लूँगी एंड इसकी मैंने स्पेशल वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है लाइक आप घर में कैसे साग बना सकते हो सरसों का साग अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है तो छोटा छोटा कट करें अब मैं इसको पका लूँगी अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाँग लो साग को मैंने बना लिया है ठंडा कर लिया है अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी एंड आप वीडियो डिटेल में देख लेना एंड बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जब मैं साग बनाती हूँ लाइक बड़े बड़े पतीले फिर उनको मैं हाथ से वॉश करती हूँ क्योंकि डिश वाशर में ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन होते हैं राइट डिनर हमारा डन हो चुका है अब मैं नाइट जो क्लीनिंग रूटीन है उसे डन कर रही हूँ एंड uh, मेरी हैबिट है कि अच्छे से सारा कुछ क्लीन करके जाऊँ बड़े बड़े बर्तन जो भी है एंड किचन को अच्छे से क्लीन करके जाऊँ इसकी स्पेशल वीडियो मैंने शेयर की है कि एवरी नाइट मैं ट्वेंटी मिनट्स देती हूँ अपनी किचन को मैं होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अब आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलेंगे ट्राई करूँगी कि थ्री टू फोर वीडियोस आपको वीक में मिलें वीडियो में मेरे डे ब्लॉग्स भी होंगे शॉपिंग सारा कुछ जो आप लाइक करते हो सारा कुछ कंटिन्यू करूंगी एंड स्टे टून रहना अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो मैं बहुत तरह की वीडियोज बनाती हूँ अपने चैनल पर एंड सब्सक्राइब कर लेना ना मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में आंटल टू माई चैनल